हाँ भाई, तो कैसे हो? वी स्टार्ट अ न्यू सीरीज कॉल्ड व्हाट यू लर्न फ्रॉम रैपर्स एंड दिस इज फर्स्ट एपिसोड। इसमें हम ये देखेंगे कि आप उस रैपर से क्या सीख सकते हैं। ये सीरीज और वीडियो कुछ इस टाइप की है कि तीन चार पॉजिटिव बातें जो आपको सीखनी चाहिए, एक बात जो आपको नहीं सीखनी चाहिए, एक नेगेटिव बात लाइक पॉजिटिव नेगेटिव। स्टार्ट विद रफ्तार। रिकमेंड करूंगा कि फ्री टाइम में आप लोग रैपर्स के पॉडकास्ट और इंटरव्यू चेकआउट करो, जिससे आपकी राइटिंग म्यूजिक स्किल्स पर काफी बढ़िया इंपैक्ट पड़ेगा। Also, we start podcast on this channel, तो please share the video and subscribe. We start after 10K. अगर आप लोग चाहो तो एक दिन में कर सकते हो और ये हो जाएंगे। तो इतनी बातों के बाद let's start the video. तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले and watch till end. रफ्तार इंडियन हिप हॉप के उन आर्टिस्ट में से हैं जिनके अपनों ने उन्हें बहुत ज्यादा धोखा दिया है। नो हेट टू एमिवे, बट एग्जांपल एंड बेस्ट एग्जांपल इज एमिवे। एमिवे भाई सिर्फ छोटी सी बात लाइक की क्या एमिवे भाई पैसा कमा पा रहे हैं और भाई ने डिस निकाल दिया बिना कोई फोन किए। भाई मेरे को तेरी बात सही नहीं लगी, या ऐसे क्लियर कर सकते थे बट सीधा डिस। लाइक हम दोस्त लोगों को बोल देते हैं कि शशांत, अंकित, राहुल क्या पैसा कमा पा रहे हैं, अब वो डिस थोड़ी निकाल देंगे। भाइयों निकाल मत देना, मैं थोड़ा बिजी हूँ आजकल। ऐसे ही एमिवे भाई ने फालतू डिस निकाला। ऑल्सो बुरा तब लगता है जब दोस्त धोखा देते हैं। नो डाउट रफ्तार पहले से ही पॉपुलर था और एमिवे के डिस निकालने से उसे फेम मिला। और आज यही बात कृष्णा एमिवे की बीफ में लोग कह रहे हैं कि लाइक एमिवे पहले से पॉपुलर था और कृष्णा को फेम मिला एमिवे के कारण। इतनी बातें मैंने इसलिए की है इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए कि नेवर ट्रस्ट टू एनीवन। अपने पर बिलीव करो, अंधा ट्रस्ट कभी मत करो किसी पर भी। लेट्स गो नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड रफ्तार से हम लोग ये सीख सकते हैं कि लिरिसिज्म लाइक भाई कमर्शियल ट्रैक भी उतना ही बढ़िया बनाते हैं, उतना ही बढ़िया लिखते हैं जितना एक हिप हॉप ट्रैक लिखते हैं। मतलब हर ट्रैक में अपना 100% देते हैं। दिस थिंग ऑलवेज मेक स्पेशल रफ्तार। कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ तो मेरी आदत है मैं उसमें घुस जाता हूँ पूरा। मतलब मुझे बिल्कुल यकीन होता है अंदर से कि प्रोजेक्ट की बात नहीं है, मेरी इज्जत दांव पे है। सो जब मेरे पास कोई गाना भेजता है या कोई ब्रांड हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ तो when these guys are explaining to me how they wanted to be the best track and this and that, you know, my response to all of that always is, guys, what matters is that I make this song and I get 3 more people coming from the other side. Wow. So it matters. So I just give everything to whatever I do, man. रफ्तार भाई इंडिया के टॉप कमर्शियल आर्टिस्ट हैं और उतने ही बड़े हिप हॉप आर्टिस्ट भी हैं लाइक गोट देखो, ब्लैक शिप, शेख चिली एंड मैनी मोर। रफ्तार भाई फेमस ही चॉपर रैप स्वैग मेरा देसी से हुए थे, फिर नेक्स्ट वन ऑफ द बिगेस्ट हिट ऑल ब्लैक एंड दीज ट्रैक आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट वन एंड नेक्स्ट वन। रफ्तार भाई ने टाइम के हिसाब से अपने को बहुत ज्यादा बदला है। लाइक शुरू में माफिया मुंडीर से जब अलग हुए थे तब रफ्तार सेकंड थर्ड इंटरव्यू में हनी सिंह पर शॉट्स लेते थे, पर अब रफ्तार एक परफेक्ट मैच्योर जो वक्त से सीखा इंसान बन चुका है। लाइक हनी सिंह को अप्रिशिएट करना, बट ही इज अ वे बेटर म्यूजिक डायरेक्टर देन आई एम। यू एक्चुअली बिलीव दैट? आई बिलीव दैट। You believe you're a better lyricist and he's a better musician. Music producer, of wow. course. Because he has sense of the sounds that people will like instantly. क्या बात? उनका beat बजते ही लोग कहते हैं कि ये हनी का गाना है, पता लग जाए। जो बढ़िया है उसे ऑलवेज सपोर्ट करना, अपने से छोटे आर्टिस्ट को आगे बढ़ने में मदद करना। रफ्तार रैंडमली यूट्यूब पर लोगों के वीडियोस, रैप्स, आर्ट पर कमेंट करते हैं। एक हम्बल पर्सन है, नो डाउट रफ्तार एक परफेक्ट एग्जांपल है। मैंने ना जाने कितने भाई के कमेंट्स में देखा है जिन रैपर्स के 500,000 सब्सक्राइबर्स हैं और भाई अप्रिशिएट करते हैं या सलाह दे रहे हैं क्या तुम्हें चेंज करना चाहिए, तुम्हें इस तरह सुधार कर सकते हो। स्पेशली आई एम वेरी बिग फैन ऑफ रफ्तार नेचर। On your Insta, आप बहुत सारे लोगों को हेल्प भी करते हैं, you know, if there is a medical emergency, you put out that story without thinking twice. You help producers, ये बताने के लिए कि अगर आपका ये Apple में अगर ये नहीं चल रहा है तो then you have to do this way, then it'll open up. You know, that's something amazing जो आपके level पे लोग शायद नहीं करते। मैं curious हूँ यार, मैं हर दिन यही चीज़ें सीख रहा हूँ। You go to my YouTube right now, look at my history, you'll be blown. It's just how to mix on pink music, it's how to set levels, it's how actual compression works, it's phasing, all this. I want to learn because I want to keep myself self-dependent. Right. That's very necessary. Like I was corona ke time pe jab hum phase the, sara kaam ghar pe kar raha tha, koi dikkat hi nahi thi. Niche hara parda lagaya, khud hi lagaya, usi ko chrome. Matlab aata hai na, the world is changing. Right. Like I was saying, there is no old music, there is no new music, it's just music. अभी ये टाइम चल रहा है, ये टाइम बदलेगा, म्यूजिक बदलेगा, फिर वो जो म्यूजिक पीछे रह गया ना वो उस एरा की याद। इस वीडियो में मैंने क्लिप्स को इसलिए ऐड किया है बिकॉज ये सीरीज उस टाइप की है कि शॉर्ट क्लिप्स जो आपको इंस्पायर कर सकती है। होप यू एंजॉय एंड समथिंग लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। अब ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड किया है बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू लर्न कि सिर्फ आपको एक सॉन्ग हिट नहीं बनाना है, आपको लेगेसी क्रिएट करनी है तो आपको प्रॉपर प्लान बनाना होगा। लाइक बेस्ट एग्जांपल हसल के कंटेस्टेंट, क्यों वो गायब हो जाते हैं? बिकॉज उनके पास प्लान्स नहीं होते कि आगे हमें क्या करना है। तो ब्रोस, अगर तुम एक आर्टिस्ट हो
और अभी शुरू कर रहे हो तो फर्स्ट एंड लास्ट सलाह फ्रॉम मी, मैक्सिमम 2 से 3 एल्बम तैयार कर लो पहले, फिर अपना चैनल शुरू करो, फिर 2 से 3 महीनों में वो सब अपलोड कर दो। देखो कमाल, यू आर अ स्टार, वो भी काफी बड़े स्टार बन सकते हो अगर तुमने वो चीज लिखी है। अगर उनमें से एक भी चल गया तो लोग तुम्हें सुनेंगे, आपके और सॉन्ग्स भी सुनेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल इज किंग, भाई का एक ट्रैक वायरल हो गया तू आके देख ले, पर भाई ने काम नहीं रोका और ड्रॉप करते गए एल्बम, सोलो ट्रैक्स कंसिस्टेंटली एक्टिव रहे। A lot of kids who want to get into the music scene, और जिनको मैं देख रहा हूँ वो दूर से देखते हैं कि हमको एक गाना बनाना है, फिर नाम हो जाएगा, फिर मैं शोज करूँगा। Nobody is preparing themselves with the idea कि मेरे को लगातार ऐसे ही गाने डिलीवर करने पड़ेंगे। बोला यार दिक्कत क्या है, कह रहे आपके सारे गाने या तो आप किसी से लड़ रहे हो उस गाने में और मुझे नहीं पता आप किससे लड़ रहे हो, या तो आप ये बता रहे हो कि आप कितने गरीब हो और जो मुझे जानना नहीं है। वो कह रहे यार आप इतने अच्छे आप रैपर्स हो सब कुछ, कह रहे मगर वो चीजें कहाँ हैं जो आप मतलब जो देनी चाहिए, कह रहा मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, कह रहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कह रहा आप लोग या तो आ रहे हो या तो आप इतनी तेज भग रहे हो। Now everybody has seen कि 15-16 साल के बच्चे भी वीडियोस डाल के बहुत फेमस हो जाते हैं, सो द डिजायर टू बी सक्सेसफुल इज सो हार्ड एट दैट यंग एज कि वो मिलता है, लोग बोर हो जाते हैं, खत्म हो जाता है, उसके बाद बंदा परेशान है कि अभी तो जिंदगी पड़ी है, अब मैं क्या करूं, और सीखने वाले टाइम पे मैंने कोई काम करना सीखा नहीं, किसी स्किल पे डेवलपमेंट नहीं किया, बस मुंह हिला दिया मेरा काम चल गया, अब ये काम बंद हो गया मेरा, लोगों को मैं नहीं पसंद, कोई भी चीज़ हो गया, डिप्रेशन हो गया, शक्ल बदल गई, बहुत कुछ होता है भैया, इट्स डीपर देन पीपल थिंक एंड इट जस्ट डजंट लास्ट। इस क्लिप में भाइयों ने बात कही है उस पर एक बार काम करो, पहले पूरा प्लान बनाओ फिर तबाही मचाओ। रफ्तार भाई से जो तुम्हें नहीं सीखना चाहिए जिससे मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ वो है इनकंसिस्टेंसी। भाई का लास्ट हिप हॉप ट्रैक 1 साल पहले आया था, पता नहीं भाई कहाँ गायब हैं, भाई प्लीज कम बैक करो। लास्ट एल्बम मिस्टर नायर 2.5 साल पहले आया था और अब 16 नवंबर को फाइनली एक ट्रैक आ रहा है। ब्रो इतना वेट क्यों करवा रहे हो, मिक्स टेप एल्बम रिलीज कर दो प्लीज। एंड दिस थिंग यू नेवर एवर लर्न फ्रॉम रफ्तार, भाई बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है एंड आई ऑलवेज हेट, 1-2 महीने में 1-2 ट्रैक तो निकाल ही दो, नहीं तो 6 महीने लगा रहे हो तो फिर 1 एल्बम, 1 साल लगा रही हो तो 2 एल्बम। यार मैं लालच कर रहा हूँ पर भाई क्यों गायब हो प्लीज। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको कौन सा रैपर लगता है जिससे आप इंस्पायर हो और क्यों हो वो पॉइंट्स आप कमेंट कर देना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट कर देना, और पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं आप जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। पीस आउट। किंग जो तू करता है ना वो करते रहियो, मेरी बस एक ही सलाह है, तेरे को पता है इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में जब भी हमारे अंडरग्राउंड वाले किसी भी रैपर को ये स्टाइल करते हुए देखते हैं तो कहते हैं ये क्या कर रहा है, ये थोड़ी रैप है, ये थोड़ी रैप होता है, ये भी रैप है भाई, इसमें भी राइम करना होता है, आप करके निकाल दो ना, किसने रोका है। आप पहले ऐसा गाना निकाल दो उसके बाद हिट हो जाओ, लोगों की जुबान पे चढ़ जाओ, उसके बाद कुछ सीरियस डाल दो, बैलेंस भी तो कर सकते हो, आपका फ्लेवर है, आप कुछ भी कर सकते हो।